क्वेश्चन है कि क्यू वैल्यू न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो रूल नंबर वन, मास इफेक्ट क्या होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला लिखवाया था क्यू वैल्यू का। क्यू वैल्यू कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड, जो भी मास डिफेक्ट आएगा उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। और एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब्ड क्या होती है, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये ध्यान से, जो मास डिफेक्ट है वो रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास है, और जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का होता है। चलो करके देखते हैं। तो जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर ए एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ए की वैल्यू अगर 240 है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, 7.6 को 240 से मल्टीप्लाई, राइट, ये करना पड़ेगा आपको। ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट ईच, तो इक्वल फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया गया, जिसका ए कितना है 120 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, पहले ये रिएक्टेंट था तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकल गई कैसे, ए 240 को 7.6 से मल्टीप्लाई करके, और ऐसी ए 120 है तो ए को 120 पुट करके जो जो रिजल्ट आएगा उसको 120 इंटू 8.5, ये आपका प्रोडक्ट है, और 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऐसे दो पार्टिकल्स बने। तो ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ गई, न्यूक्लियस की, और ये क्या आ गई, फ्रेगमेंट्स की आ गई। तो जो प्रोडक्ट है वो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंटेड जो दो पीस आए, और ये रिएक्टेंट है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो एनर्जी रिलीज आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, अभी सिखाया था मैंने। तो माइनस करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ गई, एनर्जी रिलीज आ गई, और यही आपको निकालना है। मास डिफेक्ट में रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, एनर्जी रिलीज में जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन। आपको इसमें H हाइड्रोजन का पता है, बाइंडिंग एनर्जी पता है, और हीलियम की भी पता है। तो क्या करना है, एनर्जी रिलीज क्या फॉर्मूला करवाया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, एक ये और एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया, और रिएक्टेंट में दो हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होती, न्यूट्रॉन कोई एटम या न्यूक्लियस थोड़ी ना है, ये जीरो, इसको जीरो लिख दो, इसको कुछ नहीं करना, न्यूट्रॉन बनाया थोड़ा ना जाता है, न्यूट्रॉन तो सिंगल पार्टिकल है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको इसकी HE की पता है 3 की, और हाइड्रोजन की भी पता है, माइनस करके आंसर। तो कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे एनर्जी रिलीज की प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। 33, न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ लिथियम विद सब्सिक्वेंट एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मेरे समझ में आया कि न्यूट्रॉन प्लस लिथियम विल गिव अल्फा पार्टिकल, पर जब मैंने ये देखा मुझे गिवन क्या है, लीथियम, हीलियम, न्यूट्रॉन और ये हाइड्रोजन, ये सब गिवन है। तो इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन क्या है, लीथियम ने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो क्या बना, हीलियम बना। इक्वेशन बैलेंस नहीं है अभी, तो ये जो आखिरी और प्रोडक्ट है, ये जो गिवन था ये वाला, ये साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो इन ये जो चार वैल्यूज हैं इससे देखते हुए आपको आइडिया पता लग जाएगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में बोल ही रहा है ना, लिथियम विल एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड विल गिव हीलियम, पर इसकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई ना, बैलेंसिंग के लिए ये भी निकला होगा जो यहां से आपको ढूंढना पड़ेगा। होगी बैलेंस, तो आपको क्या निकालना है, क्यू वैल्यू। तो आपको क्या करना है, एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू एक ही बात है। तो एनर्जी रिलीज में बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते थे, ये आपका इनिशियल मास है किसका, लिथियम का और न्यूट्रॉन का ऐड कर लिया, ये आपका फाइनल मास है हीलियम का हाइड्रोजन का ऐड कर लिया, दोनों को माइनस कर लिया, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है इसमें, माइनस किया 931 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होगा वही बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी रिलीज की वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे हमने, ठीक है। नेक्स्ट है, ये होमवर्क है, सेम एक जैसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 37 नहीं आता, नहीं वैसे मुश्किल है यार, 37